बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर नियाजी, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरा अपना कम्प्लेक्स है सिकंदर कार्डियक एंड मेडिकल कम्प्लेक्स, जो मुगलाबाद रावलपिंडी में है। इसके अलावा पिंडी घेप में संडे के संडे 9 से 1 बजे तक मैं वहाँ विजिट करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल की वजूहात और उससे बचाव के तरीके और उसके होने वाली पेचीदगियाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो शुगर है और शुगर के पेचीदगियों की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इन दोनों चीज़ों से क्या असरात हो सकते हैं ज़िंदगी के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसलिपिडीमिया, जो कि आम लफ्ज में अगर बोला जाए तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या खून में चर्बी की मकदार का ज़्यादा हो जाना। इसकी मेन सबसे बड़ी वजूहात में अगर देखा जाए तो हमारा लाइफस्टाइल है और हमारी जो गैर मुतवाजन ग़िज़ा है, जिसमें ज़्यादातर हम फास्ट फूड्स को प्रेफर करते हैं और हाई रिच कोलेस्ट्रॉल, जो ज़्यादा चर्बी वाले खाने हैं, उसको हम बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा है, ऑयली चीज़ें, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। दूसरा, फिर हम अपने लाइफस्टाइल को अगर देखा जाए तो उसमें हम बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो गए हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो रिलैक्सेशन पे आ गई है, हमने चलना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में खून में चर्बी की मकदार ज़्यादा हो जाती है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हमारे खाने में ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ और तली हुई अशिया का इस्तेमाल और फास्ट फूड पे डिपेंड हो जाना। इससे ज़्यादा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो बहुत ज़्यादा बढ़ता है वो हमारा लेट आवर्स में खाना खाना और फिर खाना खा के ही लेट जाना, लेट आवर्स की इंसोमनिया जिसे कहते हैं, नींद ना पूरी करना और सुबह लेट उठना, उसकी वजह से हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से ये खून की मकदार में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की मकदार ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ होता क्या है? इसके साथ ये हो जाता है कि ब्लड प्रेशर, इनिशियल शुरू की अलामत में ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाता है। उसके असरात ऐसे होते हैं कि आपके सर में दर्द शुरू होगा गैर ज़रूरी, सर में दर्द होने के साथ आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, जिस्म में चर्बी की मकदार ज़्यादा होना शुरू होने से क्या होगा कि आपको ब्लड प्रेशर के अलावा, या तो कुछ लोगों में अलामत नहीं आती और ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर के तौर पर इसका लफ्ज़ बोला जाता है और वो सीधा हार्ट अटैक या फालिज की सूरत में सूरत इख्तियार कर जाता है। आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल या चर्बी की मकदार ज़्यादा होगी है, इसका पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है या आप उसके रिलेटेड जो दिल की अलामत हैं, यानी सीने में जकड़न होना, सीने में दर्द का आना, सर में दर्द होना, आंखों के ऊपर बोझलपन, चक्कर आ जाना, चलते हुए सांस फूलना, सीने में दर्द, चक्कर आना, दिल का धड़कन बेतरतीब होना या तेज़ होना, या चलने में दुश्वारी होना, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूल जाता है और जल्द ही थकावट का एहसास हो जाता है। इस समय कोलेस्ट्रॉल की मकदार का ज़्यादा हो जाना, खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार का ज़्यादा होने की अलामत में सांस फूलना, सीने में दर्द और जकड़न का होना, चक्कर आना, थकावट का एहसास होना, यानी इजी फटीगेबिलिटी कि आप इतना काम नहीं करते जितना जल्दी थक जाते हैं, फिर चलने में दुश्वारी होना, टांगों में गैर ज़रूरी दर्द आ जाना, टांगों में या टखनों में या पैरों में सूजन का आ जाना, ये उसके अलामत में शामिल है। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैदे में भी दर्द होता है, सीने में भी दर्द होता है, चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट सी और ठंडे पसीने भी आते हैं। तो ये सारी वो अलामत हैं जो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से, या इसके अलावा एंजाइना हो जाना, दिल में तकलीफ़ का आ जाना, वो भी इसके मामलात में शामिल है। चलते हुए सांस फूलना या सीने में दर्द होना, ये भी उनकी अलामत में शामिल है। मैंने पहले जैसे वजूहात मैंने बता दी हैं, अलामत मैंने अभी बता दी हैं। इसके अलावा इसको असेस कैसे कर सकते हैं कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। साथ ही जब ये अलामत में से कोई एक भी अलामत आपके अंदर आती है तो आप अपने मौलवी से राबता करें, जिसमें वो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल तरीके से डायग्नोज करेंगे, तशखीस करेंगे, जिसमें बुनियादी टेस्ट में ECG, इकोकार्डियोग्राफी, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, शुगर के लेवल जो कि रैंडम और फास्टिंग दोनों होते हैं, यूरिनरी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और खून में प्रोटीन की मकदार को भी असेस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ज़रूरी मौलिज जो होगा वो आपको तशखीस करके बता सकता है
कि आपकी अलामत में किसी हद तक हम एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो तक भी जाते हैं पेशेंट्स को, जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं। तो बाकी इसको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल बेहतर करना पड़ेगा, साथ ही उसको कोलेस्ट्रॉल में या खून में जो चर्बी की मकदार है उसको कम करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन वो सेल्फ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अपने मालिक से मशवरा करके वो आपकी डोज एडजस्ट करेंगे और उसके बाद अपना लेके चलेंगे। जहाँ तक हमारा दूसरा टॉपिक है वो शुगर है, और शुगर आपको पता है अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 3 या 4 में से हर तीसरा बंदा या चौथा बंदा वो शुगर का मरीज़ होता जा रहा है। तो शुगर का और दिल की तकलीफ़ का बड़ा गहरा ताल्लुक है कि मेरे ख़्याल से जो इंसान शुगर के मर्ज़ में मुबतला हो जाता है वो सिगरेट नोशी वाले इंसान से पहले दिल के आर्ज़े में मुबतला हो जाता है। उसकी वजह ये है कि शुगर है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा करती है खून, कोलेस्ट्रॉल की बेजाबतगियों की वजह से ये बड़ी और छोटी दोनों शरियानों को इसमें तंगी आ जाती है। दोनों शरियानों में जब खून की नालियों में तंगी आएगी तो बड़ी शरियानों में दिल की शरियाने कोरोनरी वेसल शामिल हैं, यहाँ पे एथरोसेक्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, एथरोमाज एंड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो बाद में एंजाइना का सबब बनते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाए और कार्डियक अरेस्ट में भी चला जाए। लेकिन जो छोटी वेसल्स हैं, छोटी शरियाने हैं, वो आपके आँख के पर्दे में होती हैं और गुर्दे के पर्दे जो नेफ्रोपैथी है उसका नाम उसमें होती हैं। तो आप देखेंगे कि शुगर के मरीज़ बहुत जल्द गुर्दे के मर्ज में भी मुबतला हो जाते हैं। तो इसका जो मेन वजूहात, पहले जैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ना चलना, ओवर ईटिंग का इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट होना। तो दूसरा, हम डॉक्टर्स को सेल असेस नहीं करते कि इसकी हम अपना HbA1c कराएं या अपने बारे में तशखीस करें कि हम किसी आर्जे में तो नहीं चल रहे, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ चलते रहते हैं और पता ये लगता है कि कब जब अलामत आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी पेशेंट जो कि काफ़ी टाइम से उसको पता ही नहीं था और अचानक उसका चेहरा सूजना शुरू हो गया, पता ये लगा कि वो नेफ्रोपैथी और रिनल फेलियर में हो गया शुगर की वजह से। तो बाकी शुगर का दिल की शरियानों के साथ बहुत ज़्यादा तंगी की वजह से आपके एंजाइना के सिम्टम्स, सीने में दर्द का हो जाना, लेफ़्ट बाजू में दर्द का उतरना, ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना, और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक कार्डियक अरेस्ट होता है और बंदे की डेथ हो जाती है। तो इसको टाइमली असेस कराना पड़ेगा, आपको मॉलेज से रब्ता करना पड़ेगा, जो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट करेंगे, और उस टेस्ट करने के बाद फिर आपकी मुकम्मल तशखीस हो सकेगी कि हमने इसके बचाव के तरीके कैसे अपनाने हैं। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हम लाइफस्टाइल बेहतर करने की मशवरा दे रहे हैं लोगों को कि चलना शुरू कर दें, क्योंकि हम ज़्यादातर गाड़ी का इस्तेमाल है और फास्ट फूड्स का इस्तेमाल है और हमने चलना छोड़ दिया है, तो हम बहुत ज़्यादा सेडेटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो भी इसमें सवाल हों, जवाब हों, तो हमारे एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके अपना मशवरा ले सकते हैं।